भजन संहिता अध्याय 144। राजा दाऊद कहता था, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरी ढाल और मेरा मार्गदर्शक है। इसी कारण वह किसी भी काम को करने से पहले अपने सृजनहार से सलाह लेता और वही करता और सफल भी होता था। हर एक विश्वासी के लिए आज भी यह उत्तम बात है कि उसके जीवन का आधार कोई और नहीं वरन परमेश्वर यहोवा ही हो। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, करुणा निधान शरण स्थान और मेरा बल भी है। धन्य है यहोवा जो मेरी वो ढाल है, वो मेरी चट्टान है। हो आदमी वो फिर भी वो सुधी लेता है, ऊंचा स्थान है, छुड़ाने वाला है, वो मेरा गढ़ भी है। धन्य है यहोवा जो तेरी स्तुति में गीत नए मैं गाऊंगा। हो तेरी आराधना मैं करता ही जाऊंगा। दस तार वाले बाजे बजा कर मैं तेरा भजन गाऊंगा। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, करुणा निधान शरण स्थान और मेरा बल भी है। धन्य है यहोवा जो, धन्य है यहोवा जो, धन्य है यहोवा।